मेरा नाम आसिफ अली है और आज जो मेरा प्रेजेंटेशन टॉपिक है बेसिकली वो कम्युनिटी का। तो बेसिकली आपको कम्युनिटी के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कम्युनिटी हम किसे कहते हैं। तो बेसिकली कम्युनिटी का मतलब जो है वो ये है कि कुछ लोगों के मिलने से और उनके कॉमन इंटरेस्ट के होने से, कॉमन वैल्यूज के होने से और उनके शेयर किए जाने से उसको एक कम्युनिटी कहा जाता है। सो इसकी जो इंग्लिश वे में डेफिनेशन है वो ये है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल लोगों का मजमुआ होता है। अभी लोग कितने हो सकते हैं, ये चार भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं, दस भी हो सकते हैं, सौ भी हो सकते हैं। मतलब मिनिमम हम कह सकते हैं कि एक ग्रुप हो सकता है और मिनिमम ग्रुप में आप पांच से दस लोगों को ऐड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट कम्युनिटी को जन्म देता है। अब जो कम्युनिटी में लोग होते हैं और लोगों का काम क्या, बेसिक कुछ ऐसी चीजें जिसमें आपने उसको डिफ्रेंशिएट करना है, इन द फर्क रखना। सर एक सोसाइटी होती है तो उसमें आपके पास डिफरेंट तरीके के लोग होते हैं जिसमें हर एक का सोशल स्टेप और होता है, हर एक का सोशल इंटरेस्ट और होता है। लेकिन जो कम्युनिटी है उसके अंदर आपका कॉमन इंटरेस्ट पाए जाते हैं, यानी सबका मकसद एक ही होगा। जस्ट लाइक हम कह सकते हैं हमारे पास एक टाइप का बिजनेस कम्युनिटी। बिजनेस कम्युनिटी में आपके पास सिर्फ टेक्निकल फील्ड से रेलिवेंट दस बंदे होंगे और उनकी अपनी कम्युनिटी होगी, ठीक है, जिसमें उनका काम क्या होगा, टेक्निकल टर्म्स को एडवांस में तक लेकर आना, एक पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो इस तरह है, अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम प्लेस और सेम एरिया, हैविंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, शेयरिंग द कॉमन इंटरेस्ट वैल्यूज अलॉन्ग विद द सिमिलैरिटी एंड आइडेंटिटी। यानी उनका सिमिलैरिटी और आइडेंटिटी में कितना सेम, जरूरी है सिमिलैरिटी होती है उनमें, आइडेंटिटी भी होती है। और एक मेन चीज क्या है, जो प्लेस और एरिया है वो भी एक ही होता है, सिमिलर प्लेस सिमिलर लोकेशन हम उसे कह सकते हैं। और जो टाइप्स ऑफ कम्युनिटी है वो उसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, टाइप्स बेसिकली चार तरह की, पांच तरह की टाइप्स है बेसिकली। इसमें बिजनेस कम्युनिटी है, एकेडमिक है और ऑर्गेनाइजेशन है, वर्चुअल और नेबरहुड कम्युनिटी है। जो बिजनेस कम्युनिटी है उसमें हमने बताना है कि जो बिजनेस वैल्यूज और बिजनेस टर्म को लेकर एक ही उनका मकसद होता है और वो उस तरह से ही मिलते हैं, तो उनका जो कम्युनिटी सेट होता है, ग्रुप ऑफ पीपल वो कहलाते हैं, तो वो बिजनेस कम्युनिटी में फॉल करते हैं, ओके। उसके अलावा हम कह सकते हैं जो एकेडमिक कम्युनिटी है, एकेडमिक में क्या हो सकता है, जैसे हमारे प्लेयर्स हैं, टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, स्कूल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, इसमें जो आपका मौजूद स्टाफ है उसे हम एकेडमिक कम्युनिटी का नाम देंगे। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होंगे उसे भी हम एकेडमिक कम्युनिटी का नाम देंगे, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिटी होती है वो डिफरेंट एनजीओ से भी हो सकती है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी हो सकती है, फाउंडेशन से भी हो सकती है, या डिफरेंट कंपनी से भी हो सकती है। जस्ट लाइक हम कह सकते हैं एक बैंक जब सर्वे करने के लिए निकलता है, अपनी टीम को भेजता है, ठीक है, वो किसी भी स्कूल या इंस्टीट्यूशन में पहुंचते हैं, तो वो जो उनकी पर्टिकुलर टीम होती है वो उनकी एक ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिटी होती है, ठीक है। इसी तरह हम एक स्कूल की तरफ से बात करेंगे और इसी तरह से हम एक ब्लड बैंक या फाउंडेशन की तरफ से बात करेंगे, तो उनकी एक ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिटी होती है, ठीक है। उसके अलावा एक होती है वर्चुअल कम्युनिटी। वर्चुअल जो बेसिकली जो वर्ड है वो ऑनलाइन से निकला है, आपने नाम तो सुना होगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का नाम क्यों मशहूर रहता था, क्योंकि वो वाहिद यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में जो कि अपने सारे प्रोजेक्ट्स 99% ऑनलाइन कंडक्ट करती है, ठीक है, यानी उसको रन करती है ऑनलाइन। तो जितने भी उसके स्टेप्स हैं, जितने भी उसके फॉर्म्स हैं, वो सारे आपको ऑनलाइन ही मिलेंगे। इवन वो आपके एग्जाम्स ऑनलाइन कंडक्ट करते हैं, आपके एडमिशन ऑनलाइन कंडक्ट करते हैं, उसके बाद आपको सिलेबस ऑनलाइन कंडक्ट करते हैं, उसके अलावा आपकी क्लास ऑनलाइन होती है, यानी ईच एंड एवरीथिंग फॉल्स विद इन ऑनलाइन प्रोसेस प्रोसीजर। तो ये एक टाइप की कम्युनिटी की वर्चुअल कम्युनिटी है, एक एकेडमिक कम्युनिटी है जो मैंने आपको बताया कि टीचर स्टूडेंट्स और स्टाफ से मिलकर होती है, और एक ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिटी है जिसमें मैंने आपको बताया कि कुछ फाउंडेशन के टीम मेंबर्स हो सकते हैं, कुछ बैंक के टीम मेंबर्स हो सकते हैं, कुछ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के टीम मेंबर्स हो सकते हैं। और जो बिजनेस कम्युनिटी है उसमें फॉल करते हैं डिफरेंट ट्रेड सेक्टर के हो सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक हम कह सकते हैं बिजनेस ट्रेड है, जस्ट लाइक मैं आपको कहता हूँ आप वेजिटेबल मार्केट है, तो वहां पर आपको जितने भी बिजनेस मैन मिलेंगे या उनसे मिली जो टीम होगी तो वो बिजनेस कम्युनिटी कहलाती है। जस्ट लाइक हम किसी इवेंट को
ज्वाइन करते हैं, किसी शादी का इवेंट है, ठीक है, और हमें पता है कि एक फलां बिजनेसमैन का इवेंट है, तो उसके अंदर जितने भी मोस्टली वो गेस्ट होते हैं वो तकरीबन उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो उस तरह से हम हर एक चीज को कैटेगराइज कर सकते हैं और डिफरेंट कम्युनिटीज को नाम दे सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट बेसिकली इसका है टाइप के बाद अदर डेफिनेशंस। अब बेसिकली तीन ऐसे स्कॉलर्स थे जिन्होंने कम्युनिटी को डिफाइन किया था सुपर फ्लोस मोड में, और उन्होंने बताया था अ सोशल ग्रुप विद सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग एंड लिविंग इन अ गिवन एरिया। उनका नाम है बोगार्डस। यही बात है, वो कहते हैं कि एक सोशल ग्रुप है जो कि गिवन लिविंग लिविंग रिलेशनशिप पर मतलब डिफाइन करता है, जिसके अंदर एक ऐसा एहसास पैदा होता है कि हम यानी वी फीलिंग का जो एक सेंस है ना वो क्रिएट किया जाता है, ठीक है, उस ग्रुप में। और वही ग्रुप है जो कि एक सर्टेन एरिया और स्पेसिफिक एरिया और पर्टिकुलर लोकेशन को आइडेंटिफाई कर रहा हो तो उसको हम कम्युनिटी का नाम देते हैं अकॉर्डिंग टू बोगार्डस। बोगार्डस जो है वो एक स्कॉलर था सोशियोलॉजिस्ट जिसने इसको कहा था कि एक सोशल ग्रुप ऐसा सोशल ग्रुप जिसके अंदर हमें अपनाइयत का एहसास हो और उसके अलावा वो एक पर्टिकुलर एरिया में सॉल्व करता हूँ, ठीक है, उसको हम कहते हैं कम्युनिटी। इसी तरह किंग्ले डेविस ने कहा था द स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप दैट कैन एम्ब्रेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ। किंग्ले डेविस जो था वो एक सोशियोलॉजिस्ट, और उसने इस चीज को मतलब ज्यादा प्रमोट किया था कि अपनी एजुकेशन के अंदर सोशियोलॉजिकल एजुकेशन में उसने कम्युनिटी का जो कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था वो ये था कि वो कहता है एक सोशल ग्रुप ऐसा सोशल ग्रुप है जो एक सर्टेन और पर्टिकुलर एरिया में फाइंड आउट किया जा सकता है, ये मिलता है, ये पाया जाता है, और उसके अंदर जो उसके टेरिटोरियल एस्पेक्ट हो सकते हैं जो कि सोशल लाइफ में मैटर करते हैं वो इंक्लूड करते हो तो उसे हम कम्युनिटी का नाम देते हैं। यानी एक ऐसा सोशल ग्रुप जिसके अंदर हमारे जितने भी सामाजिक फिक्के या मतलब कह सकते हैं फैक्टर्स अनासर जो पाए जाते हैं उसको हम कम्युनिटी का नाम दे सकते हैं। फर्दर जो लास्ट सोशियोलॉजिस्ट है एजुकेशन से रिलेटेड उसका नाम तो मैक्लेवर, वो कहता है कि एन एरिया ऑफ सोशल लिविंग मार्क बाय सम डिग्री ऑफ सोशल कोहेरेंस। मैक्लेवर ने ये डिफाइन किया था कि कम्युनिटी को एक सोशल ग्रुप का नाम दिया गया और वो सोशल कम्युनिटी को डिफाइन करता है किस तरह से कि एक सोशल कोहेरेंस कायम होती रहती है, यानी जब तक एक इंसान दूसरे इंसान से सोशली इंटरकनेक्ट नहीं होता और उसके साथ कोई अटैचमेंट कोई एसोसिएशन नहीं क्रिएटेड हो सकती तब तक वो उसको कम्युनिटी का नाम नहीं दे सकते। इवन हम कह सकते हैं कि जैसे चार बंदे एक ही एरिया में रहते हैं लेकिन चारों अपने ही काम से काम रखते हैं, ठीक है, किसी भी कॉमन इंटरेस्ट पे वो एक दूसरे से मिलते नहीं है तो डेफिनेटली वो कम्युनिटी नहीं हो सकती, ठीक है। जब तक वो एक मकसद के तहत आपस में मिलते हैं बैठते हैं और बात करते हैं या उसके मुताबिक कोई डिस्कशन करते हैं तो उस समय कम्युनिटी का नाम देते हैं। जैसे लाइक सर हमने कहा है ना कि कभी कोई माशरे में झगड़ा हो जाए तो एक पंचायत नाम की एक जगह होती है जो हमारे बड़े होते हैं अक्सर जो हम कहते हैं पंचायत में बताने तो वो एक कम्युनिटी को डिफाइन करने के लिए उनके हेड होते हैं जो उस पूरी कम्युनिटी को होल्ड करते हैं, ठीक है, उनके इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं। फीचर्स ऑफ कम्युनिटी, जो फीचर्स हैं ये बेसिकली हम इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं और मजीद इसके मतलब प्रिंसिपल नॉलेज भी कहा जा सकता है कम्युनिटी। और इसका जो पहला पॉइंट है वो ये कि जो कम्युनिटी है वो बेसिकली एक टेरिटोरियल ग्रुप होगा यानी परफेक्ट प्रिसाइज और स्पेसिफिक लोकेशन में पाई जाएगी कम्युनिटी हमेशा। और दूसरी चीज ये है कि जो ग्रुप ऑफ पीपल होंगे उनके पास कॉमन इंटरेस्ट होगा, एक प्लेस होगी, अ प्लेस विद अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टुगेदर। मैंने इनसे पहले भी कंफर्म की थी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल होंगे लेकिन उनके अंदर एक अपनाइयत का एहसास पाया जाए यानी वी फीलिंग का एक फैक्टर है वो होना चाहिए। वी फीलिंग वाला फैक्टर है ये होना चाहिए, जैसे कहते हैं ना हम सिर्फ अपने आप को ना लेकर चले हम सारों को लेकर चलते हैं तो हम कहते हैं कि हम सब हैं यानी हम सब ही से ये मतलब जहां है या हम सब ही से ये
मतलब कह सकते हैं कि सोसाइटी है या कम्युनिटी है, जब कोई फीलिंग वाला फैक्टर रूम में मौजूद हुआ तो डेफिनेटली उसे कम्युनिटी का नाम दे सकते हैं। इट सर्वर नो एंड इंटरेक्ट विद वन अनदर, जो उसके मतलब अरकान होंगे, ठीक है, जो उनके रुकन होंगे वो यही जानते हैं कि मतलब उन्होंने हर एक से इंटरेक्ट करना है, क्योंकि जब तक इंटरेक्शन नहीं होगी और एक सिमिलर पर्पज पे बातचीत नहीं होगी तो वो कम्युनिटी नहीं हो सकती, ठीक है। इट्स फंक्शन टू क्रिएट नॉर्म्स वैल्यूज एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस, जो कम्युनिटी का काम क्या है वो एम करती है, उसका काम ये है कि उसने सोशल नॉर्म्स को, सोशल वैल्यूज को, सोशल इंटरेक्शंस को ओरिजिनेट करना है या उसको बनाना है, ठीक है, और जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशन है उनको एडवांसमेंट तो देगा। इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है सेंस ऑफ टुगेदरनेस, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी इसके बारे में बात की थी। सेंस ऑफ टुगेदरनेस यानी यकजहती, ये हो सकती है यानी यकजहती, या मतलब हम कह सकते हैं भाईचारा हो या फिर किसी तरह की आपके एसोसिएशन हो, ठीक है, उसका जो एहसास है वो एक कम्युनिटी की अहम पॉइंट है, यानी उसका एक अहम एसेंशियल पॉइंट है, उसका एक मैंडेटरी पॉइंट है। तो हम इसे कह सकते हैं कि हर इंडिविजुअल में ये चीज अंदरूनी तौर पर पाई जाती है, इट इज द वेरी सोल ऑफ एवरी इंडिविजुअल दैट केम आउट फ्रॉम द डिपेंडेंसी ऑफ अदर फेलो बीइंग्स, इट ब्रिंग्स द पीपल क्लोजर विद द फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस बाय क्रिएटिंग अ कम्युनिटी, यानी एक ऐसी चीज है जो दूसरे लोग हैं उन पर डिपेंडेंट होती है ये चीज, और ये उसी वक्त मुमकिन होती है जब आप अपनी अपनाइयत का एहसास जब तक दूसरों को नहीं दिलाएंगे तब तक आपके अंदर एक सेंस ऑफ टुगेदरनेस क्रिएट नहीं हो सकती, और डेफिनेटली उसके बाद ही ये कम्युनिटी काम करती है। नंबर सेकंड पॉइंट उसका है डिविजन ऑफ वर्क, डिविजन ऑफ वर्क काम की शक्तियां बेसिकली एक है प्लस पॉइंट है ये जो जिसकी इम्पोर्टेंस को मतलब और मुझे बढ़ा देता है कम्युनिटी की, और इसका जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि आपको आपके जितने भी काम है एक कम्युनिटी में रहते हुए सबके काम डिवाइडेड होते हैं, ठीक है, जैसे लाइक मैं कह सकता हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, आप एक कारपेंटर हैं, आप एक वेल्डर हैं, आप एक बार्बर हैं या बेकर हैं, तो मतलब हर एक का अपना काम डिवाइडेड है, और वो काम इसलिए है कि आप अपनी कम्युनिटी को अपने ही तौर पर सर्व कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपना ही पार्टिसिपेशन ले रहे हैं, ठीक है, उससे रिलेवेंट आप पूरी कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह है कि इट लीड्स टू आवर डिपेंडेंसी ऑन अदर पीपल वर्किंग इन डिफरेंट रोल्स, ओके, यानी जो हमारी डिपेंडेंसी है दूसरे लोगों पर, उनमें जो अपनाई का एहसास जगाने पर और उनके साथ अपना काम बांटने पर, ये किस तरह मुमकिन है, जैसे लाइक हम एग्जांपल देते हैं, एक बार्बर यानी नाई या हजाम वो लोगों के बाल काटता है उनके लिए, ठीक है, फिर वक्स हो गए, और जो एक कॉबलर है यानी मोची है वो शूज को रिपेयर करता है किनके लिए, हमारे लिए, डेफिनेटली, एक बेकर है वो रोज बिस्किट्स बनाता है किनके लिए, हम सबके लिए, यानी कम्युनिटी के लिए वो ये काम कर रहा है, इसका मतलब हर एक बंदा अपने ही तौर पर एक अपना रोल प्ले कर रहा है कम्युनिटी में सर्वाइव करने के लिए और एक बिलोंगिंग टुगेदरनेस वाली एसोसिएशन को क्रिएट करने के लिए। नंबर जो थर्ड पॉइंट है वो है कोऑपरेशन, आप लोगों में कितने लोग इस पॉइंट से वाकिफ है, पहले तो ये पॉइंट कोऑपरेशन, ताउइन, ऑब्वियसली ताउइन वर्ड ही ऐसा है कि मतलब जब तक आपके साथ दूसरा बंदा इंटरेक्ट नहीं होगा या इंटरकनेक्ट नहीं होगा तब तक वो जो पॉइंट है ये जो वो थ्योरी है वो एक्टिवेट नहीं होती, ठीक है, यानी वो वर्कआउट नहीं करते। कोऑपरेशन जो है वो मैंडेटरी आइडिया है किसी भी कम्युनिटी का, जब तक आप एक बंदे से ताउन करेंगे, उससे बात करेंगे, उसके किसी काम में उसकी मदद करेंगे, तो डेफिनेटली ये अपना रास्ता बनाता है कम्युनिटी को ओरिजिनेट करने में उसको उसकी तकलीफ। इट ब्रिंग्स द पीपल क्लोजर टू वन अनदर, द सेंस ऑफ कोऑपरेशन बिगिंस एट होम एंड इट लीड्स टू द टू अ स्ट्रांग फीलिंग ऑफ इंटरनेशनल ब्रदरहुड, डेफिनेटली ये घर से भी शुरू होती है, कहते हैं अक्सर हर एक चीज की जड़ घर से भी बनती है, ठीक है, फैमिली इज द फर्स्ट एंड द फर्स्ट प्राइमरी स्कूल ऑफ एवरी इंडिविजुअल, घर जो है इंसान का सबसे पहली दर्शगा होती है, ठीक है, ये आप सबको उसका हमारा, और जैसे मैं कह सकता हूँ कोऑपरेशन का एक एलिमेंट हम घर से ही ले रहे हैं, तो एक एग्जाम्पल है कि मुझे अपने भाई की मदद करनी है कि वो बल्ब
चेंज कर रहा है, ठीक है, एनर्जी सेवर चेंज कर रहा है, देन ही ट्राइज टू पुट हिमसेल्फ ऑन द बेंच बट ही नेवर रीचेस टू द पॉइंट। तब मैं उसको हेल्प आउट करता हूँ, या तो मैं उसके लिए मदद करता हूँ उसकी, मतलब किस तरह से उसको एक और बेंच कवर करने के बाद उसकी मदद करता हूँ, अदरवाइज मतलब एक सेंस ऑफ कोऑपरेशन है उसके अंदर भी आ जाते हैं कि हम किस तरह से आपस में अपने घर में भी अपने अपनों की मदद करते हैं। तो ये एक एलिमेंट है और ये एक कम्युनिटी को डिफाइन करता है। फर्दर बेसिक एलिमेंट्स, बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, मतलब जो भी एक कम्युनिटी को डिफाइन करते हैं उसके इंट्रा फीचर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है वो ग्रुप ऑफ पीपल, फर्स्ट पर अगर ये भी ना हो तो कम्युनिटी बन सकती है, डेफिनेटली अगर ये ना हो तो कम्युनिटी नहीं बन पाते। तो ये वो ऐसे पॉइंट्स है जिन्हें हम कह सकते हैं कि कॉम्पोनेंट्स हैं एक कम्युनिटी के लिए, बेसिक जो कॉम्पोनेंट्स हैं जिसके बाद एक कम्युनिटी बनती है, बिल्कुल वही काम है। जैसा कहते हैं चावल में अगर कुछ इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर दिए जाए तभी वो चावल बनता है, अगर कुछ एक भी मिसिंग होगा तो वो एग्जैक्ट उसकी 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 डेफिनेशन को फ्लॉ नहीं करता। तो ग्रुप ऑफ पीपल इज द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ कम्युनिटी, थ्रू देम वी आर एबल टू शेयर आवर इंटरेस्ट नॉर्म्स वैल्यूज एंड इट आल्सो बाइंड्स अ स्ट्रॉन्ग बेस इन द सेंस ऑफ कम्युनिटी कॉन्शियसनेस। यानी ये एक ऐसी चीज है जिसके बाद ये लोगों को इकट्ठा करती है और उनके अंदर एक ऐसा एहसास पैदा करती है कि जब उनको लगता है कि वो एक माशरे की तकलीफ का हिस्सा है, अ डेफिनेट लोकैलिटी, इसको मैं लोकेशन कह सकता हूँ, इसको मैं प्लेस भी कह सकता हूँ, इसको मैं स्पेसिफिक एरिया भी कह सकता हूँ और इसको मैं टेरिटरी या जियोग्राफिकल लोकेशन भी कह सकता हूँ। यानी हर वो चीज जो कि स्पेसिफिकली किसी एरिया को डिफाइन करके उसे लोकेलिटी का नाम भी रखा सकता है, और कम्युनिटी में फंडामेंटल यूनिट ये भी है, अगर ये ना हो तो कम्युनिटी नहीं बन सकती। अदरवाइज आप देखें आपको पूरी दुनिया में लोग चलते हुए नजर आएंगे, आप हर एक को कम्युनिटी का नाम तो नहीं दे सकते। डेफिनेटली अगर आप जाए सिटी हाउसिंग की तरफ, ठीक है, उनकी डेफिनेट कम्युनिटी है, क्यों है, क्योंकि स्पेसिफिक एरिया है सिटी हाउसिंग, और तब जाकर उन्होंने कहते हैं देयर इज अ कम्युनिटी ऑफ सिटी हाउसिंग, ठीक है, तो उसको एक नाम दिया जा सकता है। कम्युनिटी सेंटीमेंट्स, सेंटीमेंट क्या होता है, पहले तो ये बताएं कभी आपने सुना कि आप कभी कोई म्यूजिक सुन रहे हो आप कहते हो यार ये तो सेंटीमेंटल म्यूजिक ज्यादा होता है, हम क्यों कहते हैं, क्योंकि वो इमोशनल होता है, उसके अंदर एक सेंस होती है, सेंस फीलिंग होती है, ठीक है, उस चीज को हम इस तरह से एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ऐसे लाइव के एग्जांपल होते हैं ना हम उनके साथ आगे चीज को डिफाइन करने में ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो सेंटीमेंट, कम्युनिटी सेंटीमेंट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फीलिंग प्रोड्यूस करती है जो कि मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी के अंदर मौजूद होती है और वही आगे फर्दर कम्युनिटी को क्रिएट करते हैं, ठीक है। और बाकी नेचुरैलिटी एक परमानेंस, नेचुरैलिटी है कि कम्युनिटी हमेशा जेन्युइनली तौर पर ही फॉर्म की जाती है, उसको आपने कहीं से एक तो सेक्टर लाइन से नहीं बना लेना, ठीक है, एक डेफिनेट ओरिजिन होता है उसमें आपकी कम्युनिटी बनती है, ठीक है, वो आर्टिफिशियल का भी नहीं होती, और परमानेंस कम्युनिटी हमेशा परमानेंट ही होती है, ठीक है, जो स्पेसिफाइड लोकेशन होती है एरिया होता है उसमें जितने लोग मौजूद होते हैं और अपने इंटरेस्ट को शो कर रहे होते हैं तो वो एक कम्युनिटी में फॉर्म करते हैं। अच्छा, जो इसकी सब एलिमेंट्स हैं वो ये दिखते हैं, मैंने सिमिलैरिटी की पाई जाती है, उनके अंदर वाइडर रेंज होते हैं, यानी उनके पास मौके और मौके ज्यादा होते हैं, वो एक दूसरे को हेल्प आउट करने के लिए हमें तैयार होते हैं, ठीक है। टोटल ऑर्गेनाइज सोशल लाइफ में भी वो प्लॉट करते हैं, पर्टिकुलर नेम नो लीगल स्टेटस, यानी स्टेटस वाले को एक दूसरे से भ्रष्टाचार करने नहीं होते, क्योंकि कम्युनिटी में अगर एक गरीब इंसान भी मौजूद है और एक कैपिटलिस्ट भी मौजूद है तो डेफिनेटली वो दोनों ही इक्वल रैंक पर मौजूद होते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों ही उस कम्युनिटी के लिए हेल्पफुल है और दोनों ही उनका हेल्प है, तो इसलिए हम कह सकते हैं उसको नॉन लीगल स्टेटस। साइज ऑफ कम्युनिटी मैटर करता है, स्पेसिफाइड लोकेशन पर होगा, नंबर ऑफ पीपल्स पर होगा, ग्रुप ऑफ पीपल्स में होगा, कॉमन इंटरेस्ट को फॉलो करते होंगे, ठीक है, कंक्रीट नेचर होगी इनकी कि ये अपने ही बात में साफ होंगे और मजबूत होंगे, ठीक है, विद अ डेफिनेट पर्पस एंड इंटरेस्ट। सो आई जस्ट होप दैट यू हैव लर्न द टॉपिक कम्युनिटी सो फॉर। मैं थोड़ा सा जरा कंबाइन करके भी बता दूं तो आपको शायद इजी लगे। कम्युनिटी हमने स्टार्ट किया था कि ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि सिमिलरिटी आइडेंटिटी के साथ होते हैं, वो
और अपने शेयर कॉमन इंटरेस्ट को शेयर करते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पेस और टेरिटरी। कम्युनिटी के जो बेसिक टाइप्स वो मैंने लिख दिया, तो बेसिक टाइप्स हैं वो बिजनेस कम्युनिटी है, एकेडमिक कम्युनिटी है, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिटी है, वर्चुअल कम्युनिटी है, ठीक है, ये हैं कम्युनिटी के टाइप्स। आपको बताया था जो बिजनेस कम्युनिटी है वो बिजनेस रिलेवेंट आइटम है, जो पीपल होते हैं उनसे रिलेवेंट, उनसे बनकर बनती है कम्युनिटी। और जो एकेडमिक होती है उसमें आपका स्टाफ, टीचर, स्टूडेंट्स और जितने भी एजुकेशनल फॉरम से रिलेवेंट पीपल होते हैं उनसे डायरेक्ट कम्युनिटी बनती है, ठीक है। और उसके बाद जो आपको बताया था वर्चुअल कम्युनिटी, जो ऑनलाइन सेक्टर्स को ब्लॉक करती है, जैसे हम कह सकते हैं ऑनलाइन कम्युनिटी है ऑनलाइन कम्युनिटी फॉर अस, ओके। इसके अलावा हमारे पास टीचर्स आ जाते हैं, नहीं इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अदर डेफिनेशंस। जो बोगार्डस है उसने क्या बात की थी कि सोशल लाइफ को अफेक्ट करने वाले जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं और एक एरिया में रहते हैं, तो उन्होंने बोगार्डस के थ्रू कहा जाता है कम्युनिटी। और किंगले डेविस ने कहा था कि एक ऐसे सोशल ग्रुप जो कि तमाम एरिया को कवर करे किसी भी सोशल लाइफ, तो उसने कहा था कि ये कम्युनिटी होती है। प्लेवर ने कहा था, जिसके अंदर फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, बिलोंगिंगनेस ये पाया जाए किसी भी सोशल ग्रुप में और अपने ही कॉमन इंटरेस्ट को फॉलो करें, तो वो अकॉर्डिंग टू फ्लेवर कम्युनिटी की डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फीचर है, फीचर्स सेंस ऑफ टुगेदरनेस यानी अपनाइयत या जल्दी या फिर बिलोंगिंगनेस, ब्रदरहुड वगैरह, डिवीजन ऑफ वर्क, डिवाइडेंस होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, डिफरेंट काम से, डिफरेंट जॉब से, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज है। और कोऑपरेशन है जो कि मेन है, ताउन है आपके लिए, सही है, यानी हेल्पिंग अदर्स, हेल्पिंग टू ईच अदर बिलोंग्स टू एंड फॉर्म्स ऑफ कम्युनिटी। उसके बाद एक और पॉइंट था कोऑपरेशन के बारे में, फीलिंग ऑफ एसोसिएशन, फीलिंग ऑफ एसोसिएशन मीन्स वो ये फीलिंग ऑफ एसोसिएशन ये होता है कि मतलब जब आप एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, इंटरेक्शन होता है और एक ही इंटरेस्ट पर बात करते हैं, एक ही पर्पज से बात करें, तो आप ये सर मेरे एक सवाल था कि अब चार दोस्त हैं, अब वो एक ही कॉमन पर्पज पर बात करें तो कम्युनिटी हो सकती है, ठीक है। फर्दर बेसिक एलिमेंट्स है ग्रुप ऑफ पीपल, लोकेलिटी, सेंटीमेंट, नेचुरलिटी, सिमिलैरिटी, और उसके अलावा हम हमारे पास और कौन सा वर्ड है, नो लीगल स्टेटस, पर्टिकुलर नेम होता है, कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है, साइज ऑफ कम्युनिटी मैटर करता है। सो दैट ऑल दीस आर द थिंग्स दैट एक्चुअली डिफाइंस कम्युनिटी एंड दीस आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी। सो आई होप इन सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन वी हैव लर्नड सो फार द टॉपिक कम्युनिटी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।